ओडिशा में शुक्रवार को आए चक्रवाती तूफान फानी का कहर थम चुका है, लेकिन तूफान के बाद जो नुकसान हुआ, राज्य और केंद्र सरकार की ओर से लगातार इसका जायजा लिया जा रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने भुवनेश्वर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने हवाई सर्वेक्षण करके नुकसान का आकलन किया। उन्होंने तूफान से हुई तबाही के बाद मदद के लिए 1,000 करोड़ रुपए की तत्काल मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी ने तूफान से निपटने के लिए राज्य सरकार के काम की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि तूफान के दौरान नवीन पटनायक जी ने अच्छा काम किया है। तूफान के दौरान ओडिशा के लोगों ने समझदारी दिखाई, इस कारण कम जनहानि हुई। उन्होंने कहा कि मैंने नुकसान का आकलन किया, केंद्र सरकार हर कदम पर ओडिशा के साथ है। पिछले 7-8 दिन से लगातार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहा केंद्र और राज्य के बीच में। कम्युनिकेशन बहुत ही परफेक्ट रहा। राज्य सरकार की टीम भी बहुत ही प्रोएक्टिव भी थी, रिस्पॉन्सिव भी थी। मैं भी चुनाव की आपाधापी में बीच बीच में 1,000 किलोमीटर दूर जब साइक्लोन था, वहीं से मैं मॉनिटर करते आ रहा था और लगातार बीच में भी मैंने मीटिंग करके उसको भारत सरकार की टीमों को एडवांस में भेजने की व्यवस्था की थी। हवाई सर्वेक्षण के दौरान पीएम मोदी ने पूरे हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ सीएम नवीन पटनायक भी मौजूद रहे। शुक्रवार को ओडिशा में आए फानी तूफान से राज्य में भारी तबाही हुई है। इस तूफान से ओडिशा के 11 जिलों के 14,000 से ज्यादा गांवों के लगभग 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक इस तूफान के कहर से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के पूरी शहर में फानी तूफान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। 38 में से 21 मौतें सिर्फ पुरी में हुई है, जहां तूफान शुक्रवार को पहुंचा था। सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भुवनेश्वर में जल्द ही और पुरी नगर के कम से कम 90% इलाकों में पानी की आपूर्ति बहाल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले 15 दिनों के लिए बना हुआ खाना निशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। नवीन पटनायक ने कहा कि हम मिशन स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।